मानी क्या कर रही हो तुम? मैं तो आराम की जरूरत है। क्या हो गया हारिक? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वैसी भी कोई बात नहीं है। और ये सब क्या है? ये सब हमारे बच्चे के लिए, और ये इस रूम में लगाना ताकि मेरा चेहरा हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और हमारा बेबी मेरी तरह खुश शक्ल हो। क्या हो गया आपको? मुझे आपको याद रखने के लिए आपकी तस्वीर की जरूरत थोड़ी है। आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे ख्यालों में तस्वीर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी ईमान है। क्यों, ऐसा क्या कहा है मैंने? मुझे तुमने पहले कभी नहीं कहा। अच्छा, क्या मैं आपको इतनी खड़ूस लगती हूँ? नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। तू जो खड़ूस जी दिलावर भाई। देखो बाबा, मैं नहीं चाहता कि जिशान को हमारे असल काम के बारे में पता चले। वो सिर्फ हमें टैलेंट देगा, उसे ग्लैमर की दुनिया को देखने दो, जिंदगी एंजॉय करने दो। मैं भी यही चाहता हूं, बेफिक्र रहे, उसको हमारे काम के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, उसे शामिर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब उसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। डोंट वरी, आफ्टर ऑल वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। भी क्यों जिद कर रही? चलना मेरे से डॉक्टर के पास प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तबीयत जरा सुस्त है। और वैसे भी बेटा, दवाइयाँ मेरे से नहीं खाई जाती और बार बार डॉक्टर के जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी भी, इस तरह आप कैसे ठीक होंगी मुझे ये बता दे। हो जाऊंगी ठीक बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा ये बताओ, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? हारिब को बता के आई हो? जी बड़ी भी, मैं उनको बता कर ही आई हूँ, और आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और हाँ, मेरी बात सुने, आइंदा ऐसा कोई भी मसला होना है आपने मुझे फौरन बताना है। वो तो आज मैंने फोन कर लिया, वरना आप तो। अरे मेरा बच्चा, इस उम्र पर तो बीमारियां लगती है बेटा, ये कोई नई बात थोड़ी है। और वैसे भी बेटा, इस उम्र में मौत से लड़ने से बेहतर है कि अगली जहां की तैयारी की जाए। दीदी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं ये? बेटा एक ना एक दिन तो हर एक को इस दुनिया से जाना है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग बेटा जो अपने बिस्तर पर आराम और सुकून से मरते हैं, अपने तमाम फराइज पूरे करके। भी अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, ऐसी बातें नहीं किया करें। बेटा जो बातें मैं तुमसे कर रही हूँ ना, ये हकीकत है और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मौत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है बेटा। मौत से पता नहीं हम क्यों इतना खौफ खाते, वो तो एक अटल हकीकत है बेटा, जिसके बाद इंसान की अपने रब से मुलाकात होती है। हम रब से इतना प्यार तो करते हैं,
फिर उससे मुलाकात से क्यों घबराते हैं बेटा, क्यों घबराते? मुझे तो इंतजार है उस घड़ी का जब मैं अपने रब से जा मिलूं। बस बेटा, अब सिर्फ यही दुआ है कि जब मैं अपने रब से मिलूं तो वो मुझसे राजी हो और मुझे अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिनको उसने बख्श दिया है। आमीन। आमीन। ईमान, तुम ऐसे परेशान ना हो, बड़ी भी ठीक हो जाएंगी। अरे पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कम ऑन ईमान, ऐसे मत सोचो, वैसे भी तुम्हारा इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो कि आज रात वहीं रुक जाओ बड़ी बी के पास, कल मैं आता हूँ तो उनको डॉक्टर पे लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ। हेलो हारिफ, तुम यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो लेकिन यूं अचानक? बस मेरा दिल किया तुम्हें देखने को तो मिलने आ गई। आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, हम कहीं जा रहे हैं। मेरे एग्जाम चल रहे हैं। क्या तुम हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो? चलो थोड़ी देर के लिए तुम भी फ्रेश हो जाओगे। चलो ना प्लीज, देखो आई वॉज मिसिंग यू, तभी मैं रात को यहाँ पे चली आई। और तुम बताओ, यू आर नॉट मिसिंग मी? सर वो आजकल स्टडीज का लोड ज्यादा है तो इसलिए किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यू आर सो मीन बाय द वे। अब चलो ना, चल के कहीं अच्छी सी कॉफी पीते हैं। हाँ चलो प्लीज। तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ओके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ओ शामिल साहब से मिलना है मुझे। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। उनसे कहिए एक बार मिलने की इजाजत दे दें, जरूरी बात करनी है कुछ। शामिल साहब तो जा चुके हैं। जा चुके हैं मतलब अब ये टैलेंट एजेंसी नहीं रही? टैलेंट एजेंसी है लेकिन ऑनर चेंज हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ के हेड कौन है? दिलावर साहब। दिलावर साहब, अच्छा ठीक है। हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई ये मेरा भी तो घर है, जहाँ मेरी बेगम वहाँ मैं। ठीक बात। अच्छा आप बड़ी बी की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है, पहले से ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। थैंक गॉड। ये आप इतनी सारी किताबें क्यों लेकर आए? यार घर में पढ़ा नहीं जा रहा था तो सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा, और घर पर क्या कहा आपने? यही कि दोस्तों के साथ कंबाइन स्टडीज करनी है। इस तरह तो ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी और ना मेरी। इसी तरह तो पढ़ाई अच्छी होगी। चलो अब अपने हाथों की एक अच्छी सी चाय बनाओ और फिर बैठ के पढ़ते हैं। ये छोड़ दो। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रसूलवा।